तो कैपेसिटर, कैपेसिटर की डेफिनेशन है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। ठीक, बिल्कुल बेसिक और रॉ डेफिनेशन है, कोई टेक्निकल इसमें यूज नहीं किया, एक सिंपल सी बात जो चार्ज को स्टोर करता है। इमेजिन करो, मेरे को सपोज करो मेरे घर में गार्डन है और मेरे को ना पानी की सप्लाई चाहिए, मैंने पाइप लगा ली और मैंने पानी की बौछार करनी है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं 8 बजे उठ गया और मैंने पाइप लगाई, पानी का फुल प्रेशर किया और पानी देना शुरू कर दिया। अब दिक्कत क्या आ रही है कि जो पीछे से वाटर सप्लाई है ना, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से है। अब मेरी लाइन में, मेरी गली में 10 लोगों ने भी सेम काम करना शुरू कर दिया, सब ने टैप ऑन कर दिया। अब पानी की सप्लाई तो सड़क के नीचे से जा रही है, अब 10 लोग मेरे घर के आगे से पानी यूज़ करेंगे तो मेरे घर का प्रेशर तो गिरेगा, और 4 बंद कर देंगे प्रेशर बढ़ेगा, तो मेरी पाइप के अंदर जो पानी आ रहा है ना वो कांस्टेंट सप्लाई नहीं आ रही। कभी तो इतनी तेज़ पानी आ रहा है कि मतलब कमाल ही है कि दिल करता है पानी देते रहें, और कभी इतना स्लो आ रहा है बंदा कहता है बंद करके घर ही चलते हैं, मतलब छोड़ते हैं, हमने पानी नहीं देना, क्योंकि सप्लाई एकदम कम एक बार ज़्यादा, एक बार कम एक बार ज़्यादा, वेरिएबल सप्लाई है। अब मुझे ऐसा करना नहीं है, मुझे एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए। ठीक, मुझे कांस्टेंट सप्लाई चाहिए। तो अब अगर कांस्टेंट सप्लाई चाहिए तो मैं क्या करूं? अब मैं गवर्नमेंट के पास जाऊं, उसे चिट्ठी लिखूं, भाई देखो जी कांस्टेंट सप्लाई नहीं, वो कहेगा ठीक है मैं क्या करूं, मेरी तरफ से कांस्टेंट है, 10 लोग तुम्हारे पड़ोसी ऑन करके बैठे हैं तो मैं कहां से कांस्टेंट दूंगा, तो वो बात बनेगी नहीं इसमें। ठीक, तो वेरिएबल सप्लाई तो हमेशा रहेगी ही रहेगी, पर मेरे को कांस्टेंट चाहिए। या इमेजिन कर लो मेरे को एक बाल्टी भर के पानी चाहिए, और मान लो 5 लीटर की बाल्टी, और सीधा उठा के बाहर फेंकनी है। अब गवर्नमेंट कहती है देखो जी नलके से 5 लीटर पानी इकट्ठा ही निकल सकता है 1 सेकंड में, और मुझे चाहिए, मुझे 5 लीटर पानी फेंकना है और इकट्ठा ही फेंकना है। अब वो कहती है काम कर ले तो बाल्टी भर ले, पॉइंट है, सोल्यूशन निकाला, तुम बाल्टी भर लो, तो हमें मत कहो, ठीक है टाइम लेगी बाल्टी भरने में, पर लेकिन तुम्हारे पास यही सोल्यूशन है जिससे कि तुम पानी को स्टोर कर सकते हो। तो फिर ये आइडिया आया, आइडिया क्या कहता है, अपने घरों में 2-2 हज़ार लीटर के पानी के टैंक लगवा लिए सबने, सबके घर लगे हुए हैं। अब पानी नहीं भी आएगा पीछे से, तेज या स्लो भी आएगा, वो टैंक भरता रहेगा, और जब मुझे जितनी सप्लाई चाहिए मैं उस टैंक को खोलूंगा और पानी की सप्लाई अपने अपने हिसाब से बाहर निकाल लूंगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? चाहे तो पूरी टैंक टैंकी तोड़ दूं 2 हज़ार लीटर की, 2 हज़ार का 2 हज़ार लीटर पानी इकट्ठा निकाल लूं, मेरी मर्जी है। तो अब देखो मैंने पानी को स्टोर किया, और उस स्टोरेज डिवाइस को टैंक बोलते हैं, टैंक की कैपेसिटी है 2 हज़ार लीटर, तो वो एक कैपेसिटर है मेरे घर का। तो मेरे घर का कैपेसिटर मेरा पानी का टैंक है, और जो नलका लगा हुआ है पीछे सप्लाई आ रही है वो मेरे घर की बैटरी है। क्योंकि बैटरी, कई लोग सोचते हैं बैटरी चार्ज स्टोर करती है, बैटरी से चार्ज आ रहा है ना, बैटरी चार्ज स्टोर नहीं करती, बैटरी एनर्जी स्टोर करती है, उस एनर्जी को वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में बाहर निकाल सकती है, और वो भी तेज नहीं निकालती। बैटरी चार्ज करो या डिस्चार्ज करो, इट टेक्स टाइम, पूरा दिन मोबाइल यूज करते हो, इट टेक्स टाइम टू डिस्चार्ज अ बैटरी, खाली करने में समय लेगी बैटरी, चार्जिंग भी एकदम नहीं होती, आपने ऑन किया चार्ज हो गया ना, इट विल टेक टाइम टू चार्ज अ बैटरी। तो आप उसमें चार्ज नहीं भर रहे बैटरी में, आप उसमें एनर्जी भर रहे हो, वो एनर्जी चार्ज की फॉर्म में बाहर आएगी वो सेकेंडरी बात है, पर मुझे यहां पर एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे यहां पर चार्ज चाहिए। तो आप ये सोचेंगे कि चार्ज करना क्या है, आपने क्या करोगे चार्ज, बैटरी से स्लो चार्ज आ रहा है ले लो। अब सपोज करो आपने एक मोबाइल बनाने की कंपनी खोल ली, अब मोबाइल बिकेगा भी, कस्टमर की डिमांड है कि वो फोटो भी खींचे, कैमरा भी लगा दिया, बढ़िया कैमरा लगा दिया, कस्टमर पार्टी में भी जाएगा और रात को फोटो भी खींचेगा। अब रात को फोटो खींचने के लिए चाहिए फ्लैश, अब जैसे ही फ्लैश ऑन करेगा बैटरी फटाफट ठा 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 डाउन हो जाएगी। पहली बात, वो फ्लैश है क्या? फ्लैश कुछ नहीं है, चार्जेस हैं इकट्ठे, लाइटनिंग है जैसे बिजली कड़कती है, फ्लैश कुछ नहीं है, बटन दबाओ फ्लैश ऑन होती है, एकदम बहुत सारा चार्ज लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बैटरी इतनी जल्दी, जैसे इमेजिन करो बहुत सारा चार्ज का मतलब अपने घर में 25 लीटर की बाल्टी इकट्ठी पार फेंक देना। अब बैटरी तो कहती है 25 लीटर मैं तो दूंगी नहीं, तो यानी कि इकट्ठा चार्ज तो मैं कन्वर्ट कर नहीं पाऊंगी, तो रास्ते में क्या चाहिए? एक स्टोरेज डिवाइस, तो वो पानी का टैंक है एक तरीके से आपका, तो बैटरी उसको भर देगी चार्ज से, फिर आप जब बटन दबाओगे कितना चार्ज चाहिए उस कैपेसिटर से बाहर निकाल सकते हो। तो समझ में आ रहा है कैपेसिटर का काम क्या है बीच में? क्योंकि बैटरी इतना तेज काम कर नहीं पाएगी,
नलका इतनी तेज काम नहीं कर पाएगा, बीच में टैंक लगाना पड़ेगा, बीच में बाल्टी रखनी पड़ेगी, वो आपकी कैपेसिटेंस है। ठीक समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो कैपेसिटेंस एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को बैटरी से स्टोर करके रखेगा, उससे लेके रखेगा या कन्वर्ट करके रखेगा, स्टोर करेगा, और वहाँ से आप जिस मर्जी रेट से आप उसको चार्ज को बाहर निकाल सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, जब गर्मियों में पंखा खराब होता है, इलेक्ट्रीशियन आता है, वो कहता है जी कंडेंसर खराब हो गया, इसका चेंज हो जाएगा, पंखे की स्पीड तेज हो जाएगी, बहुत खराब होता है। सबसे पहले इसका कंडेंसर या कैपेसिटर एक ही बात है, तो इसकी कैपेसिटर खराब हो जाती है। अब पंखे के अंदर आपने देखा होगा 5 रेगुलेटर 4 3 2 1 है ना, आप सप्लाई चेंज कर सकते हो। पीछे से जो गवर्नमेंट की सप्लाई आ रही है बिजली की, वो कॉन्स्टेंट है ही नहीं, तो पंखा एक रेट पर चलेगा, वो भी स्लो कभी तेज, कभी स्लो कभी तेज, पर मेरे को तो पंखा 5 पे चलाना है और कॉन्स्टेंट स्पीड चाहिए मुझे, तो रास्ते में क्या लगेगा? कैपेसिटर। तो पहले कैपेसिटर चार्ज भरेगा, मतलब वो पानी का टैंक है, वो पानी के टैंक से कॉन्स्टेंट सप्लाई, आपने 5 नंबर दबाया रेगुलेटर तो ज्यादा चार्ज रिलीज कर देगा, 4 नंबर कम करेगा, 1 नंबर धीरे कर देगा, रोके रख लेगा, पंखे की स्पीड कंट्रोल हो सकती है। यानी कि कैपेसिटर तो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप बैटरीज पे बिलीव कर नहीं सकते, क्योंकि उसका एक बहुत स्लो प्रोसेस है और ना वो चार्ज को स्टोर करती है, वो इंस्टेंटली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स में करंट में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन चार्ज स्टोरेज डिवाइस बैटरी बिल्कुल भी नहीं है। तो समझ में आ रहा है कि कैपेसिटर की ज़रूरत क्या पड़ी है। हर चीज़ की एक ज़रूरत है, घर में पानी के टैंक की ज़रूरत है, ऐसी कैपेसिटर की ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली बैटरी से काम नहीं ले पाएंगे, आपको एक इंटरमीडिएट डिवाइस चाहिए जो चार्ज को स्टोर करे और आपके हिसाब से उस चार्ज को रिलीज करे। क्या ये समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कॉन्सेप्ट? तो क्या है कैपेसिटर, क्लियर है? तो कहानी यहीं से स्टार्ट है कि नीड ऑफ स्टोरेज है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जा सकता है, जैसे घरों में पानी को स्टोर किया जा सकता है। बैटरी एक स्टोरेज डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है, पर हमें नीड है एक स्टोरेज डिवाइस की जो लार्ज करंट या लार्ज इलेक्ट्रिक एनर्जी को देगी इन अ वेरी लेस टाइम, कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी देगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया 25 लीटर पानी इंस्टेंट चाहिए तो बाल्टी रख लो, और 25 कूलम का चार्ज इकट्ठा चाहिए तो कैपेसिटर रख लो। ठीक हो गया? तो ये पूरी स्टोरेज डिवाइस है, तो दोनों स्टोरेज डिवाइसेज हैं। तो कैपेसिटर को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड या इट इज़ अ डिवाइस दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्जेस। ये कंप्रेस्ड चार्जेस क्यों बोलते हैं? जैसे किसी ने कहा सर ये शेल है, क्या ये कैपेसिटर है? शेल का कैपेसिटर हो सकता है? ओके, घर चलते हैं। टैंक एक कैपेसिटर है, जो पानी को स्टोर करे वो कैपेसिटर है आपके घर का। तो क्या टैंक एक कैपेसिटर है, पानी स्टोर हो सकता है? हाँ वो कैपेसिटर है। क्या बाल्टी एक कैपेसिटर है? हाँ वो कैपेसिटर है। क्या पानी पीने का गिलास भी कैपेसिटर है? हाँ वो भी कैपेसिटर है। तुम जहाँ पे कटोरी है कैपेसिटर है, वो भी कैपेसिटर है। मैं तो कहता हूँ मेरे हाथ के अंदर पानी स्टोर कर दो, ये भी एक कैपेसिटर है। तो कहने का मतलब जो पानी स्टोर कर सके घर का कैपेसिटर है किसी भी फॉर्म में, ऐसी जो चार्ज स्टोर कर सके वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है, चाहे वो शेल है, चाहे वो स्फीयर है, चाहे वो लाइन चार्ज है, जिस पे चार्ज टिक गया वो कैपेसिटर है। ठीक हो गया यहाँ तक? तो इसीलिए किसी ने कहा सर एक शेल ले लो, मैंने कहा शेल ले आते हैं। वो कहता कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, मैंने निकाल दिए 1 2 3 4 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, 7 पॉजिटिव चार्ज आ गया। किसी ने कहा 700 निकाल दो, मैंने 700 कर दिए। जब मैंने 700 किए ये प्लस चार्ज कंप्रेस हो गया, कम जगह पे ज़्यादा चार्ज आ गया। किसी ने कहा 7 लाख इलेक्ट्रॉन निकाल लो, मैंने 7 लाख निकाल दिए। मैं कहता हूँ जगह नहीं थी प्लस बनाने की, कंप्रेस चार्जेस भर रहा हूँ। नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल ले लो, एक शेल है उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे दो, 2 2 3 4 5 6 1 लाख, जगह नहीं है, मतलब भर दूंगा पूरा कैपेसिटर। तो इसे बोलते हैं कंप्रेस्ड चार्जेस। भाई चार्ज स्टोर करना है, कम जगह में करना है, तो खाली बाल्टी क्यों रखोगे? अगर 1 लीटर पानी चाहिए या मान लो एक बूंद ही चाहिए तो भी बाल्टी की जरूरत क्या है बूंद के लिए, वो तो सीधा नलके से ले लो। तो यानी कि कुछ तो पानी स्टोर करोगे ठीक ठाक, उसी का फायदा है कि घर में 20-25 हज़ार का खर्चा करके बैठ जाओगे और चाहिए कितना, 1 गिलास पानी, वो तो नहीं हो सकता ना, वो तो नलके से वैसे ही आ जाएगा। तो जहाँ बहुत पानी चाहिए वहाँ एक कंप्रेस उस जगह पे भर के रखना पड़ेगा, ऐसी चार्ज को भी भर के रखना पड़ेगा, तो वर्ड क्या यूज करते हैं? कंप्रेस्ड। समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट है, अब
मान लो एक शेल है, मैंने उसको चार्ज दिया तो शेल का पोटेंशियल भी बढ़ गया, क्योंकि शेल का पोटेंशियल वी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्यू। मैं जितना चार्ज दूंगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली चार्ज इज अ कंप्रेस्ड इन दी स्फीयर। अब इमेजिन करो, नलके से अपनी टैंक को भरना शुरू कर दिया पानी का मैंने, तो कैपेसिटर मेरा भर रहा है घर का। अब 2000 लीटर का टैंक था, 2000 लीटर भर गया। मैं चाहता हूँ कि मुझे लालच हो गया यार, और स्टोर कर लूँ और मुझे पानी चाहिए हो सकता है, तो मैंने एक आध लीटर और भर दिया। पर टैंक तो नहीं भरेगा ना, टैंक तो 2000 लीटर का फुल है। अब एक लीटर पानी कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा ओवरफ्लो हो जाएगा, आप रोक नहीं पाएंगे, या तो टैंक फट जाएगा या जगह अगर बंद कर दोगे या फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन 2000 की जगह में 2500 लीटर स्टोर नहीं कर पाएगा, ये तो बात पक्की है। ऐसे ही है कैपेसिटर की भी सेम स्टोरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इनफाइनाइट चार्ज को भरता जाऊंगा ये मना नहीं करेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये मना कर देगा। कैसे? मान लो इसमें 100000 इलेक्ट्रॉन थे, आपने एक एक करके खिसकाने शुरू कर दिए, निकाल दिए, एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, पांच चार्ज, 100000 चार्ज आ गया। अब आप चाह रहे हो कि और पॉजिटिव चार्ज आ जाए, स्फीयर कह रहे हैं सर जगह ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, दूं कहां से। लेकिन आप जबरदस्ती बैटरी कनेक्ट कर करके पॉजिटिव चार्ज और प्रोड्यूस कर रहे हो और इसको पोटेंशियल दे रहे हो, वो क्या करेगा, उसके पास है ही नहीं देने के लिए, तो 100000 से ऊपर चार्ज तो आ नहीं पाएगा। पर आप नहीं हट रहे, आप पीछे से और बैटरीज की सप्लाई दिए जा रहे हो, अब होगा क्या? मना तो आपको करेगा नहीं, वो है तो बेचारी एक मशीन है, डेड मशीन, कुछ है तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, अपने ये एयर के अंदर पड़ा हुआ है, ये हवा का एटम पकड़ लेगा। हवा के अंदर जो एटम्स हैं, ओके, एयर इंसुलेटर है या एयर कंडक्टर है? इंसुलेटर की कंडक्टर, कितने लोग कहते हैं कंडक्टर, मतलब मैं बिजली की तारें लेके बैठ जाऊं यहां पे, आप सब गए क्योंकि सर ने इलेक्ट्रिसिटी हवा में फैलाई और कंडक्टर है और कंडक्ट होके आपकी बॉडी में चली गई, ऐसा होता है कभी? जबरदस्त इंसुलेटर है, कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है कम से कम हवा से तो ट्रेवल नहीं कर सकती, तो इंसुलेटर है। ठीक है, मतलब एयर का जो एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम से उसको निकालना नहीं जा सकता जल्दी जल्दी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, कोई तो इसको निकाल सकता है। देखो है तो केमिस्ट्री ना, इलेक्ट्रॉन निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं फिजिक्स या केमिस्ट्री वालों के लिए, पर लेकिन जल्दी जल्दी निकल नहीं सकता, ये भी बात ट्रू है। पर जब आप हटेंगे ही नहीं, आप हट ही नहीं रहे, आप कह रहे हो और चार्ज, ये भी क्या करेगा, आप टैंक भी क्या करेगा, और पानी स्टोर करेगा, और पानी स्टोर, वो कहेगा दे दो पानी यार मैं ओवरफ्लो कर दूंगा। कैपेसिटर का भी सेम है, तो इसको और चार्ज कहोगे, इलेक्ट्रॉन दे, और इलेक्ट्रॉन दे, वो कह रहे है नहीं देने के लिए, जब आप और मांगोगे तो क्या करेगा, एयर का एटम पकड़ लेगा, एयर के एटम में इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूक्लियस होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में से छीन लेगा और पॉजिटिव वाले चार्ज को कहेगा, धक्का मार देगा, प्लस प्लस तू तो चल यहां से, भगा देगा, आयन उड़ गया पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव अपने पास रख लिया। जब ये नेगेटिव चार्ज इसके पास आया तो इसने आपको इंटीमेट कर दिया, सर एक इलेक्ट्रॉन लाया हूं ले लो मेरे से, तो ठीक है मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, इसके ऊपर एक मुझे लगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, पॉजिटिव चार्ज तो प्लस की फॉर्म में हवा में चला गया। हम बोलेंगे एयर आयनाइज हो गई, एयर भी आयनाइज होगी, अब हवा में भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, चार्ज कहां जाएगा, हवा में जाएगा। तो सोचो अगर मैं बहुत तेजी से ऐसा कर रहा हूं तो ये कई एयर के इलेक्ट्रॉन को छीन रही है और पॉजिटिव चार्ज की हवा चलानी शुरू कर रही है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज लीक कर गया, ओवरफ्लो कर गया। लेकिन ये प्रोसेस जल्दी जल्दी हो नहीं सकता, कहीं आप सोचो कि मैं घर जाऊंगा और मैं ऐसा करूंगा और एयर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आएगी, नहीं आएगी, ठीक, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, हवा को तोड़ा जा सकता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव कर सकती है। और कोई एग्जाम्पल देगा, ऐसा आपने देखा भी है, लाइटनिंग, जब ऊपर लाइटनिंग होती है उससे क्यों डरते हैं लोग, क्योंकि वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ कह नहीं सकती आपको, हवा में चार्ज उड़ के तो आएगा नहीं, पर लाइटनिंग में क्लाउड्स में चार्जेस हैं और इतने हाई वैल्यू के चार्जेस हैं, जब वो टकराते हैं तो एयर को आयनाइज कर देते हैं, और सोचो क्या जबरदस्त आयनाइजेशन है, पूरी दिखती आयनाइज होती हुई, और देखो हवा में इलेक्ट्रिसिटी दिखती है ट्रेवल करती हुई, और जिसके ऊपर गिरी वो गया, क्योंकि 220 पे बंदा उड़ जाता है, 200 पे उड़ जाता है, तो सोचो कई लाख वोल्ट में तो गया, और वैसे बच जाए वो हीट से वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि आयनाइज कैसे हो सकती है, जितने लाइटनिंग का प्रोसेस है, बिजली का कड़कना, ये सब एयर की आयनाइजेशन है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो यानी कि जगह तो थी नहीं, चार्ज को मूव तो करना था, तो वो एयर को ही आयनाइज करता हुआ निकल गया। ठीक,
मैं हमेशा एग्जांपल देता भी हूँ, वो इंग्लिश मूवीज देखो, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, जिनमें विलन होते हैं, बड़े होशियार होते हैं वो, और हीरो से भी ज़्यादा होशियार होते हैं, क्योंकि स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री फील्ड में फील्ड्स को ज़्यादा स्टडी करके आए होते हैं, फिर नोबेल प्राइज़ से चूक जाते हैं, फिर गुस्सा आ जाता है, उनको पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके मैग्नेटिक फील्ड की पावर, फिर वो एक ऐसी मशीन तैयार करते हैं जिसमें वो हाथ को ऐसे करते हैं और दूसरा बंदा लाइटनिंग से मर जाता है। तो बेसिकली वो इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की मशीन पैदा करते हैं कि वो एयर को भी आयनाइज करते हुए बिजली से लोगों को मार देते हैं। देख लेना, अब देखोगे तो पता लगेगा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बातें करते हैं। ठीक, तो समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ प्रिंसिपल यूज करते हैं जो नॉर्मली हो नहीं सकता, डेंजरस है वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीखना। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ऐसा कुछ प्रोसेस है। अब आगे देखो, तो इस केस में जब बहुत चार्ज इस पे आ जाएगा, पोटेंशियल बहुत हाई हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि जब बहुत पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा और एयर क्या हो जाएगी? आयनाइज हो जाएगी। फिर मैंने बता दिया, नेगेटिव ये छीन लेगा, पॉजिटिव दूर भाग जाएगा, तो हवा में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, तो हम बोलेंगे चार्ज क्या हो गया? स्फीयर में से लीक हो गया। जैसे पानी लीक हो गया, ऐसे ही चार्ज भी लीक हो गया। क्लियर है यहाँ तक? पर हम इस प्रोसेस को स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोई इतने इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा ना डिस्कस कर रहे हैं, 3 लाख वोल्ट, 4 लाख वोल्ट, 6 लाख वोल्ट, अब तो बेचारे 2, 4, 10 वोल्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए इतनी वैल्यूज के लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे कोर्स में नहीं है, नहीं आएंगे। पर मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, ऐसा होता है, क्योंकि पानी के टैंक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ओवरफ्लो होता है, कैपेसिटर भी ओवरफ्लो चार्ज को करवा सकता है। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर है? अब अगर आप चलो मन में सोचो भी कि चलो मैं शायद ऐसा कर पाऊँ, हवा को एयर आयनाइज कर पाऊँ और मेरा भी कुछ थोड़ा बहुत नाम हो, तो आप एक काम करना, आप हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देना अप्रॉक्सीमेटली कितना, 30 लाख वोल्ट पर मीटर का, मतलब आपकी सेल 10-10 वोल्ट के सेल हैं, 220 की बिजली आपके घर में आती है, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कह रहे हैं, 30 लाख वोल्ट 1 मीटर में। इतना तो आपकी कोई मशीन ही नहीं है जो आपके घर में पड़ी हो और इतने वोल्ट जनरेट कर जाए, हो जो घर में ही सप्लाई नहीं है तो पैदा कहाँ से करोगे भी, इतना सेल ले आओगे कितने वोल्ट का सेल ले आओगे, बिजली ले आओगे कितने वोल्ट की ले आओगे, हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ मशीन्स हैं जैसे वेंडीग्राफ जनरेटर, ऐसी मशीन्स बताएंगे इसमें, मशीन्स हैं जो बहुत हाई वोल्ट जनरेट कर देती हैं, इतनी भी नहीं कि बंदे मर जाएं, इतनी कि वो उनकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी फील की जा सकती है। लैब में ऐसी मशीन्स बनाई गई हैं जो नकली बिजली पैदा करती हैं, और आप कहीं भी नेट पे देख लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक गूगल पे भी सर्च करेंगे और एयर की आयनाइजेशन सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे उसके अंदर, लैब के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स पैदा करती हैं, पर कंट्रोल्ड वे में, तो ऐसा कुछ है। ठीक, पर हम नहीं करेंगे, वो बात अलग है। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? अब एयर को ब्रेक करने के लिए हमें इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू, ई की वैल्यू। अब हमने क्या सीखा, अगर मान लो किसी भी बॉडी के ऊपर क्यू चार्ज है तो उसके ऊपर वी पोटेंशियल है, या क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी, या क्यू इज इक्वल टू सी इन टू वी, एक कॉन्स्टेंट लगेगा, इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, और कैपेसिटेंस की वैल्यू कांस्टेंट है क्यू बाई वी, ये फॉर्मूला है। आप कहें कि एक शेल के ऊपर मैं चार्ज को डबल कर दूं, हाँ कर दो, पोटेंशियल भी शेल का डबल हो जाएगा, तो ये रेशियो रिमेन्स सेम। और वैसे भी 25 लीटर की बाल्टी लेके आओगे, 26 लीटर कैसे कर दोगे, 25 लीटर की बाल्टी 25 लीटर की रहेगी, तो कैपेसिटर अगर 4 माइक्रोफेरेड का है भाई, वो 4 माइक्रोफेरेड का 6 कैसे कर देगा। तो कैपेसिटेंस किसी भी डिवाइस की कॉन्स्टेंट है। कैपेसिटेंस वर्ड कहां से आ रहा है, कैपेसिटी से, कैपेसिटी कैपेसिटेंस एक ही बात है, तो ये कांस्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज किस साइंटिस्ट का काम था, कूलम का, वोल्ट किस साइंटिस्ट ने बनाया, वोल्ट, और फिर कैपेसिटर किस साइंटिस्ट ने बनाया, फैरेड। तो अब रोज फैरेड याद करना, याद करोगे साइंटिस्ट फैरेड को, तो एक फैरेड, तो ये एक फैरेड है, तो एक माइक्रो फैरेड कैलकुलेशन में 10^-6 फैरेड और एक पीको फेरेट 10^-12 फेरेट। मैं एक दुकान पे गया,
कैपेसिटर मिलते हैं न्यू लाइट के, जाओ यहाँ दुकान, जहाँ मर्जी जाओ, 18 में जाओ, चंडीगढ़ जाओ, कैपेसिटर लेके आना। आपने दुकानदार को कहा एक कैपेसिटर चाहिए, उसने कहा जी हाँ, कितनी वैल्यू का चाहिए? आपने बोला बस 1 फेरेड का मिनिमम, छोटा सा 1 फेरेड। अब सोचो वो क्या आपकी शक्ल देख के क्या सोचेगा, मैं दिखाता हूँ। 1 फेरेड कैपेसिटर आपको लगता है वो निकाल देगा अपने स्टोर में से? ठीक है, इसका आंसर जरा 2 मिनट बाद देखते हैं। क्या 1 फेरेड का कैपेसिटर आपको मार्केट में मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप सिर्फ 2-4 मिनट वेट करें, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक, हाँ ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, पर क्यों नहीं मिलेगा और वो आपकी शक्ल क्यों देखेगा? थोड़ा आप सस्पेंस है, वो दिखाता हूँ क्यों देखेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक?